और काफ़ी खूबसूरत बनाई हुई है और वुड के साथ है, वन पीस में ही है ना? वन पीस में, एंटीक पीस भी है मतलब एक। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, छाला केम छो, महेश भाई कैसे हैं? और भाई इस वक्त हम हैं विजय भाई के ऑफिस में हैं और काफ़ी दिनों गए थे विजय भाई से मिलना था। और दानिश के लिए भी आप लोग काफ़ी कमेंट करते क्या है, दानिश भाई से मिलाओ। काफ़ी लोग दानिश को तो जानते, जो नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में उनके साथ जो पहले मैंने वीडियो बनाया उसके लिंक दे दूंगा, वो आप देख लेना। और आप कहेंगे यार विजय भाई के ऑफिस है और विजय भाई नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वो भी बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। विजय भाई कैसे? फ्रेंड्स कैसे हैं आप? ठीक है। और थके थके थोड़े से लग रहे हैं और उसका रीजन भी बता दे। दो दिन से इंग्लैंड में थे ना, कल रात को ही आए। और कैसा रहा इंग्लैंड में? बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। अच्छा, और मौसम कैसा था वहाँ? मौसम ऐसा ही था जिस अपने यहाँ पे, हवा चल रही थी। अच्छा, और काम वाम कैसा चल रहा है? काम वाम पर अभी स्टार्ट तो है, अभी काम वाम करने का तो बहुत मूड है। एक इवेंट भी आया हुआ है ईद के हवाले से, ईद के ईद के तीन दिन बाद का इवेंट है। अस्करी में अस्करी में नहीं है, थोड़ा अच्छा, चेंज किया है लेकिन अच्छा, वो ये क्या कम्यूनिटी है वो मिली है। अच्छा, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब है। ये तो है। और उस प्रकार पिकनिक भी एक आप करवा रहे थे, पिकनिक भी हमारी डिस्टर्ब है लॉकडाउन की वजह से। हाँ, ये कोविड की वजह से तो भाई काफी, फिर भी चलो गवर्नमेंट रूल्स तो फॉलो करने हैं। फिर भी सिचुएशन अभी तक तो हमारे बेहतर है, लेकिन अगर जो है फॉलो नहीं करेंगे ये चीजें तो फिर बिल्कुल। और इंडिया में जैसे आप देखते हैं कि काफी काफी लोग परेशान है और काफी ज्यादा जो है वहाँ पे जो है डेथ लोगों की हुई है। बहरहाल हम भी ये विषय हमारी ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भाई वहाँ पे जो है माहौल ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए, बल्कि पूरे वर्ल्ड से ही दुनिया से ये चीज खत्म होनी चाहिए। कोरोना खत्म हो। गोपी भाई नजर नहीं आ रहे, आएंगे भी, गोपी तो थके हुए साथ ही थे हमारे, शायद वो ना भी आए, वो कह रहे थे देखते चांस थी, देखते अभी आधा घंटा। सही, तो भाई काफी दिन हो गए थे तो मैंने कहा बीच में, तो अभी प्रोग्राम में विजय भाई आप लोग नजर आए थे जो हमने किया था अस्करी पार्क में, जो विजय भाई ने ऑर्गेनाइज किया, कैसा प्रोग्राम का कैसा रहा वो तो हमने दिखा दिया है। हाँ, अच्छा था। उसके बाद मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कि यार ये सही है, ये दोबारा कब हो रहा है, दोबारा में कोविड के बाद ही होगा। हाँ, फिलहाल तो ये एंजॉय किया था और पहली बार बड़ा अच्छा लगा कि सभी लोगों ने एंजॉय किया होली, मतलब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और हमारे हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी जो फैमिली है, तमिल फैमिली है, मारवाड़ी फैमिली है, मद्रासी फैमिली है, गुजराती, वो सब भी आए एक साथ एंजॉय किया। एलईडी जो है तमिल फैमिली ने जीती थी ना, उनसे हमने बात की थी। तो बहरहाल ये के और आप लोग भाई कमेंट करके बताएगा कुछ और आप लोग को जो देखना है जानना है तो वो भी जरूर करेंगे। कोविड की वजह से अब शादियां वादियां भी फिलहाल हो नहीं रही है कि आपको कोई गुजराती शादी दिखाते हैं, कोई शादियां भी कि वो रुक गई है कुछ, वो घरों के अंदर भी करवा रहे हैं टाइमिंग की वजह से और अटेंडेंस की वजह से, इसीलिए ये भी लड़का परेशान है। अब ये बोलेगा यार ये नहीं बोलना था अपने वीडियो में, अभी पापा मेरे पूछेंगे कि कराते शादी करवा रहे शादी भाई? भाई नहीं अभी नहीं। क्यों? अभी पढ़ रहा हूँ, करनी नहीं है, करनी नहीं है। तो भाई विजय भाई के ऑफिस में हम मौजूद हैं अभी और कोशिश करते हैं दानिश को ढूंढते हैं, दानिश भाई पीछे उनके जो शॉप है तो दानिश को भी देखते हैं अगर है। और एक चीज मुझे बड़ी है भाई, वो पेंटिंग है ना विजय भाई, किसने बनाई है? कैसर भाई ने बनाई ना, कैसर भाई की अभी शॉप बंद है ना, कैसर भाई से कुछ लोग तो उनको जानते हैं पहले भी, जो एक वीडियो हमने बनाया। भाई ये पेंटिंग एक है जो कैसर भाई ने बनाई है, काफी जबरदस्त जो है, एक इसमें एक लेडी है और हाथ में दिया है और स्पेशली इसमें जो जो शाब्दुलती मिठाई की मेरे ख्याल उन्हीं की है, कोई शायद शायरी की है और सिंधी में भी लिखा हुआ है और नीचे फिर जो है ट्रांसलेशन भी है इसकी इंग्लिश में, और सिंधी जो सिंधी में लिखा है शमा महेश भाई, तब पढ़ी ना हो ना सिंधी सही ना, मैं पढ़ता हूँ ना कोई गलती ना, क्योंकि थोड़ी सी हार्ड सिंधी है क्योंकि शब्द लती मिठाई के शमा पारिंदे शब थी पोह पाकू कड़ियों सूरत मदा थी मंझन ना मह मखन मखन मैखन अरारा अरा राणा कारण रब ये
बारा इसकी नीचे जो ट्रांसलेशन भी लिखी हुई है, बारा पेंटिंग बहुत अच्छी है, जबरदस्त जो है। दिवाली का पेंटिंग बना था कोई। अच्छा, ये क्या चीज, क्या चीज है? 92 की बात है, हमने दिवाली का प्रोग्राम किया था एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके कार का टाइटल था ये। अच्छा, ये अच्छा 92 में। अच्छा अच्छा सही। तो और ये पीछे जो एक मूर्ति है, ये गिफ्ट किया, ये क्या गौतम बुद्ध है? ये दिखाइएगा जरा मेरे, वुड की बनी है, लकड़ी की बनी हुई है, तो ये मूर्ति देख सकते हैं। अच्छा, एक गिफ्ट मिली थी आपको जी। और काफी खूबसूरत बनाई हुई है और वुड के साथ है, वन पीस में ही है ना? वन पीस में। एंटीक पीस भी है, मतलब एक तरह से अब तो वही। तो भाई जैसे कि विजय भाई के पास आए हुए हम लोग, आपने देखा विजय भाई से आपको मिलवाया, तो अभी जो है एक बंदे के लिए काफी कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं और बहुत ज़्यादा जो है रिक्वेस्ट होती है कि यार हमें बड़ा अच्छा लगा भाई, हमारा एक दानिश भाई, उससे आप मिलवाते नहीं हो और क्या करें, अब हम उनसे खुद ही शिकायत करते हैं भाई, लोग बहुत ज़्यादा शिकायतें कर रहे हैं। हेलो व्यूअर्स, मैं जानता हूँ आप लोग परेशान हो रहे होंगे, लेकिन मेरी भी थोड़ी मजबूरी थी। मैं क्या थी मजबूरी बता दो। बस कुछ था काम वाम में। हाँ, जरा सा बस काम वाम में बिजी। और अभी भी देव कह रहा यार मेरा हालत, अभी भी मेरा ऐसा हो गया है, समीर भाई के बहुत इसरार से सामने आया मिलकर, चलो बुरी बात है। क्योंकि भाई बहुत अच्छे हमारे ये दोस्त हैं और दानिश भाई से तो एक दिल का जो है ना कनेक्शन भी हमारा, और क्या नाम है, इनसे तो हम काफ़ी पर्सनल बातें भी एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो आज मैंने इनको बोला कि यार आपके साथ थोड़ा सा एक क्लिप, जैसा भी हाल है जो भी है, कोई मसला नहीं, कोई काम कर रहे हैं सब, पीछे देख रहे हैं काम हम चल रहे हैं इनका जो है, अभी भी जस्ट फ्री होकर बैठे हैं। और महेश भाई को तो मिल चुके हैं और कैमरा मैन के लिए कुछ लोग जो परेशान थे कहाँ चला गया, तो ये भी इधर ही है, कहीं नहीं जा रहा। और बहरहाल ये के और दानिश भाई कैसे चल रहा है, रमजान कैसा चल रहा है? शुक्र बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, कोरोना की टेंशन है, सब लोगों से है कि सब लोग एहतियात करें, सो पीस पर अमल करें। मास्क के अलावा फिर बोलेंगे लोग, मैं इस दुकान में ओनली अकेला हूँ, तो मुझे तो किसी ने सो पीस से रखना ही नहीं, मतलब मैं अकेला हूँ, खुद अकेला काम करना है, तो मुझे मास्क की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ बेहद गर्मी होती है, आप नहीं कर सकते। और अब तो पिछली बार जब वीडियो बनाई थी तो सर्दियाँ थी शायद, है ना? गर्मी थी, गर्मी थी। अच्छा, हाँ पिछले साल, पिछले साल के बाद अब यही वीडियो आई है मुझे लग रहा है। तो बस ये कि आपको भाई मिलवा दिया दानिश भाई से, और बाकी कभी कोशिश करेंगे ईद के बाद या ईद के टाइम में अगर मौका मिले तो कुछ ना कुछ ऐसा सीन करें। बाकी इनको रोज रोज बोलते रहते हैं यार ऑफिस आओ हमारे, ये आ नहीं रहे, अब क्या करें हम, मेरा उधर नहीं है ना उस जगह से, असल में पहले ये लोग करीब हुआ करते थे तो मेरा आना जाना था, अब ये थोड़ा सा दूर हो गए वहाँ से मेरा रास्ता। चलो SOP फॉलो कर रहे थे इसलिए दूर हो गए। और मूछे मछे भी हैं? हाँ, थोड़ी गर्मी तो लगी है। चलो सबसे और सब क्या कहना चाहोगे यार, काफी पूछते हैं लोग जो है ना, जो मतलब मुझे याद रखते हैं बाखुदा, मैं भी उन्हें याद करता हूँ, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, दो चार वीडियो मैंने जो बनाई, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी, कुछ सख्तियाँ थी, जिसकी वजह से अच्छा नहीं लगता, तो दिल को ही मानना पड़ता है आखिर में, आप सब समझते हैं। मैंने पहली वीडियो में अपनी बताया था, अपनी जर्नी बताई थी पूरी, बस वहीं आके कहीं ना कहीं मैं फंस जाता हूँ, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है, सबको लेके चलना है, किसी का नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, और बस ये कि आप काम करते रहो, मेहनत करते रहो, और भाई उम्मीद करते हैं आपको अब अच्छा लगा होगा दानिश भाई से। बाकी ये कि कोई सवाल या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, तो नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाएंगे कभी तो फिर उनसे पूछ लेंगे। तो ठीक है दानिश भाई, चले फिर हम। ओके, इजाज़त है, अल्लाह हाफिज। ओके बाय बाय। हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं वीडियो को थोड़ा, और बाकी ये कि आज आए थे दानिश भाई के पास तो मैंने कहा आपसे भी मिला दें, क्योंकि आप लोग बोलते हैं अपने जो पुरानी टीम या पुराने जो दोस्त हैं उनसे आप नहीं मिलाते, तो ठीक है दानिश, चले फिर। ओके बाय बाय। तो भाई बाहर आ चुके हैं विजय भाई के ऑफिस से, और बस ऐसे ही रैंडम वीडियो है, पसंद आए तो लाइक कर दे रहा, घोड़ा गाड़ी दे सकते हैं, ये बच्चे जा रहे हैं, छोटे बच्चे जो है इंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हैं। तो रैंडम वीडियो है, पसंद आए लाइक कर देना, नहीं पसंद आए तो मर्जी है। दिवाली के प्रोग्राम के और होली के प्रोग्राम के बाद अभी आ रहे हैं। तो बस अब ये कि रोड थोड़ा सा आपको कराची के हल्का फुल्का दिखा देते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा और कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं। बाकी बताएगा अगर ऐसी रैंडम वीडियो आपको ज़्यादा पसंद है तो हम और बनाएंगे। और काफ़ी दिन से दानिश भाई के लिए भी कमेंट्स आ रहे थे, फिर विजय भाई के लिए भी आ रहे थे, गोपी भाई के लिए, गोपी भाई अभी आए नहीं थे, और ये इनके लिए भी आ रहे हैं। हम आ गए, और कितने लोग हैं साथ में? हाँ सभी है, सभी है पीछे। हम आ रहे हैं, लखनऊ वाला है तुम्हें? हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, लखनऊ वाला नहीं बोल। तो चलते आगे, थोड़ा रास्ता भी दिखाते हैं, पीछे एक मार्केट है, बाइक मार्केट है जो है ना, मोटरसाइकिल जो है बाइक जो मिलती है यहाँ पे,
बाइक्स की मार्केट थोड़ा सा एक झलक गुजरते हुए दिखा देता। वैसे तो आप लोग बहुत मजाक बनाते हो हमारे यहाँ बाइक भी, उसकी भी कभी स्टोरी बताएंगे कि यार बाइक ऐसी यहाँ क्यों होती है। हालांकि अभी 50,000 की बाइक होती है भाई, ब्रांड न्यू जो अगर लेंगे ना 55,000 की, तो ये नहीं दिखा रहा हूँ। महेश भाई की बाइक तो आपने पहले ही देखी है और फाइनली अब इन्होंने कलर भी कर लिया बालों को। और बीमार हो क्या, हो ये शक्ल भी ऐसी हो गई है? बीमार बीमार नहीं है, असल में आपको पता है सुबह सवेरे उठना पड़ता है, दिन भर दिन चलते जाओ चलते जाओ तो लाइफ इंसान थक जाता है, तो आज का जो टाइमिंग का इशू थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना। चलो बस आगे चलते हैं, पास पास लगा लेते हैं हम अपने भाई। रीगल चौक है भाई, फेमस कराची का, और दोनों तरफ ये पूरा आपको इलेक्ट्रॉनिक मार्केट यहाँ की नज़र आएगी। फैन वगैरह, एसी वगैरह, फ्रिज, हर चीज़ यहीं से मिलती है। काफ़ी पुराना चौक है ये, पूरा रीगल चौक कहलाता है। ट्रैफिक बहुत जाम है फ्रेंड्स, क्योंकि इस वक्त इफ्तार का टाइम करीब है, तकरीबन आधा एक घंटा रह गया है, तो हर कोई घर जाने की जल्दी में है। हमें पीछे गाड़ी हॉर्न दे रही है ना कि रस्तों सिद्धोलो राइट चलो, सिद्धो ही हलो, फिलहाल राइट तो बन गए हमारे। ये भाई फेमस कबाब हाउस है यहाँ का, पैरेट कबाब, और इनकी ये भी ब्रांच है इधर, मतलब साथ में ही है। इस वक्त तो क्लोज है रमज़ान की वजह से, काफ़ी फेमस है। और ये है गुरु मंदिर चौक। अब गुरु मंदिर इसको क्यों कहा जाता है ये अभी तक कुछ क्लियर है नहीं। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे कुछ पुराना मंदिर था गुरु का, काफ़ी लोगों ने इस पर रिसर्च किए। बहरहाल ये फेमस, और ये ऊपर आप देख रहे हैं मेट्रो बस का जो ट्रैक जा रहा है, तो यहाँ जो है मेट्रो बस चला करेगी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया इसको भी बनते, अभी तक जो है इसकी जो है वो नहीं हुई, इनॉग्रेशन नहीं हुई। और ये एरिया भाई है सोल्जर बाजार, सोल्जर बाजार का एरिया है, और यह भी काफ़ी ओल्डेस्ट एरिया है कराची का, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट एरिया ऑफ कराची। और यहाँ हम कभी वीडियो बनाएंगे, ये देख सकते हैं आप एक लेडी यहाँ जो है जिंगर बर्गर जो है 80 रुपीज़ का जिंगर बर्गर सेल करती हैं, तो किसी दिन ट्राई करेंगे। कुछ जो है यूट्यूबर्स हैं इनके साथ वीडियो बनाई है, तो हम भी जल्द बनाएंगे। बाकी पूरा जो एरिया है सोल्जर बाजार कहलाता है, सोल्जर बाजार एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, और ये वही एरिया है जहाँ पे पंचमुखी हनुमान मंदिर जो है काफ़ी पुराना एक मंदिर है, हिस्टोरिकल मंदिर है, आपको दिखा भी चुके हैं और कभी दोबारा दिखाएंगे भी, वो भी यहाँ पे। और ये पूरा आगे एरिया जो है सोल्जर बाजार के एरिया, लोग फ्रूट्स ले रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, और रोड साइड वैसे नॉर्मली नहीं खड़े होते, जस्ट रमज़ान के टाइम में ये होते हैं लोग, बाकी तो मार्केट से फ्रूट्स की प्रॉपर। आगे भी एरिया आपको दिखाते हैं, बाइक वगैरह जब मैं जो है रिपेयर कराना है उसका ट्यूनिंग वगैरह होती है, सर्विस करानी होती है, यहाँ मैं आता हूँ, मैकेनिक जो है यहाँ पे हमारे यहाँ
और आगे आपको गली दिखा दें। वैसे तो मंदिर मैंने पहले दिखाया हुआ एक दो वीडियोस में, कभी फिर से दिखाएंगे, बाकी आपको बाहर से आपको दिखा देते हैं। इस गली में मंदिर है, पंचमुखी हनुमान मंदिर, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा पीछे की तरफ। लेडीज मुँह में मुँह पे लगता है मेरा मोबाइल। और ये ऊपर आप सोच रहे हैं कुछ लोग उर्दू जो पढ़ना जानते हैं उनको पता है, वरना ये लिखा हुआ है 160 रुपये का दही, भैंस का दूध 110, गाय का दूध 110। तो ये दूध के रेट से दही 160 रुपये है। अब आप कमेंट करके धड़ाधड़ बताना कि अरे यार बड़ा महंगा है ये तो। भाई हंसते हुए जा रहे हैं एक बाइक के हेलमेट पहने हुए। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हमारे रूलिंग पार्टी का ऑफिस है एक यहाँ का एरिया का, और ये सोल्जर बाजार एक नंबर मेरे ख्याल में कहलाता है। और यहाँ पे जो एक फास्ट फूड का बारबेक्यू की बड़ी फेमस शॉप है ये अल हयात फास्ट फूड रोल पॉइंट फास्ट फूड। और ये भी ओल्ड एरिया है कराची का, मतलब जो इसीलिए आपको यहाँ पे ज़्यादातर जो पुराने स्टाइल के घर या बिल्डिंग या रिक्शा और इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये पोश एरिया नहीं है कराची का, लेकिन ये कि काफ़ी ओल्ड से ये बगी देख सकते हैं यहाँ पे। ये बगी वगैरह जो है शादी वगैरह में दूसरी चीज़ों में लोग जो है रेंट आउट करते हैं। और आगे एक बोर्ड दिखाते हैं, उस पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो आगे रास्ते में हमें, मतलब जो जगहें की तरफ रास्ता जा रहा है। अंकल सारिया हॉस्पिटल है, सदर है, और ये जो है होली फैमिली हॉस्पिटल है, एक काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है और क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं उन्होंने स्टार्ट किया था इसको। और जो है आगे आपको दिखाते हैं पारसी कॉलोनी भी हमने आपको दिखाई थी बहुत पहले, तो पारसी कॉलोनी वाला एरिया इस साइड पारसी कॉलोनी है। तो ये होली फैमिली, और एक क्रॉस का साइन भी आप देख सकते हैं बीच में बना हुआ है। और ये भी पारसी एक एरिया है, उनकी कॉलोनी है पारसियों की। और सामने एक बड़ी जो है बिल्डिंग है जिसको लाल बिल्डिंग कहा जाता है, काफ़ी फेमस बिल्डिंग है ये, लाल बिल्डिंग कहा जाता है इसको। हाँ तो भाई ये था, आज हम जो है विजय भाई के पास भी गए और दानिश को भी आज आपसे मिलाया फाइनली, और थोड़ा कराची के जो रोड्स वगैरह भी आपको दिखाए। ऐसे ही मेरी सड़ी हुई आवाज़ में कमेंट्री भी आपको सुनने को मिली। मज़ा आया है। मज़ा आया नहीं है वो तो आप कमेंट करके आप लोग बताएंगे। और इस तरह के रैंडम वीडियोस अगर आप कहते हैं तो टाइम टू टाइम हम बनाते रहेंगे, बाकी के अच्छी अच्छी चीज़ें भी लाएंगे। सोच रहे कि यार एक कुछ शॉर्ट टाइप की कोई चीज़, शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट फिल्म तो नहीं कह सकते उसको, कोई शॉर्ट स्केट या कोई ऐसी कोई वीडियो बनाएं हम अपनी टीम मिलके ना, ट्राई करें, क्योंकि उससे फिर हम सीखते जाएंगे, इम्प्रूव करते जाएंगे। तो कोशिश करें यार, ट्राई करके देखें क्या ख्याल है। होना चाहिए एक अच्छी सी चीज़ आपको दिखाए, और हम एक फ़िल्म फेस्टिवल में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारा इरादा है एक फ़िल्म फेस्टिवल है जो पाकिस्तान का नहीं बाहर का कहीं का है, उसका भी आपको डिटेल हम आगे बताएंगे। उसमें हम सोच रहे हैं कि यार किस तरह की डॉक्यूमेंट्री हम बना के भेजें, तो आप लोग थोड़ा सा बताइएगा कि क्या चीज़ आप कहते हैं कि तो ऐसे सब्जेक्ट जो क्लिक हो, स्पेशली हमें गोरों को फोकस करना है, उनके हिसाब से बनानी है बाहर की ऑडियंस के माइंड के हिसाब से, तो आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि कौन सी चीज़ है उस पर हम डॉक्यूमेंट्री बनाएं। वैसे तो कुछ टॉपिक हमारे माइंड में भी आ रहे हैं, लेकिन आप लोग बताएगा कि शायद उसमें से हमें कोई टॉपिक समझ आए, लेकिन ऐसा कोई जो पाकिस्तान में वो चीज़ एग्जिस्ट करती हो और हम दिखा भी सके, मतलब ऐसा कोई इशू भी हो सकता है, कोई किसी की लाइफ पे भी हो सकता है। नहीं होना चाहिए कि आपका दिमाग अपना काम कर रहा है, हमारा दिमाग अपना काम कर रहा है, हो सकता है आपसे अच्छे की उम्मीद है। तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ज़रूर कर दो, हम लोग अक्सर बोलना भूल जाते, तो काइंडली कर देना सब्सक्राइब। और अगर हमें इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करना चाह रहे हैं, समीर _खोखर22 मेरी आईडी है, फेसबुक की आईडी समीर खोखर है, पंजाबी महेश 777 और पंजाबी महेश मेरी फेसबुक आईडी। ठीक है ना, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। समीर के ब्लॉग्स।